अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ उर्दू में बात करने वाली हूँ। आई नो इट विल बी वीयर्ड फॉर सम पीपल बिकॉज they've never heard me talk in any other language rather than English। वो इसलिए क्योंकि मैंने अपना जब चैनल स्टार्ट से शुरू किया था अपनी बहन के साथ, तब भी मैं इंग्लिश में ही बात करती थी। एंड आई फाइंड इट awkward talking in Urdu because मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बोल रही हूँ और क्या बोलना चाहिए आगे। तो it confuses me। लेकिन since I got a lot of comments, बहुत सारे comments आती हैं, कहती हैं कि आप उर्दू में बात करें, हमें आपको उर्दू में बात करते वक्त सुनना है, stuff like that। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे उर्दू में वीडियो बनाऊँ ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको जो पसंद है वही मैं लूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि उर्दू में बात करना शुरू करनी चाहिए मुझे अपने व्लॉग्स में, अपने वीडियोस में। और मैं पहले इसलिए इसको अवॉइड करती थी क्योंकि जैसे अभी मैं बहुत अटक रही हूँ, वैसे मुझे क्या कहते हैं, आई फाइंड इट रियली रियली ऑकवर्ड टॉकिंग इन उर्दू बिकॉज आई डोंट नो व्हाट टू से नेक्स्ट। तो फिर भी मैं आपसे आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उर्दू में बात करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँ। और या तो विदाउट फर्दर अडू हम लोग वीडियो में जाते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि गर्मियों की छुट्टियों में अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप क्या करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के स्कूल शुरू होने वाले हैं या फिर शुरू हो चुके हैं, लेकिन मेरे यहाँ अभी तक स्कूल शुरू नहीं हुए। अभी भी एक महीना और आधा महीना है हमारी गर्मियों की छुट्टियों का। इवन तो स्टार्टिंग में जब गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू होती हैं तो सब लोग इतने खुश होते हैं, सब लोग सब कुछ करते हैं। और वो सब कुछ कम से कम एक महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक रहता है कि आपके पास बहुत कुछ करने को हो। लेकिन फिर जब जब एंडिंग होती है तो यू डोंट इवन नो व्हाट टू डू। आपको बिल्कुल समझ नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए आपको, क्योंकि गर्मी की छुट्टियाँ आप ज़ाया कर रहे हैं और यूँ बैठे हुए हैं पंखे के सामने, एसी के सामने। गर्मी हो रही है लेकिन आपको कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा क्योंकि बहुत गर्मी हो रही। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आपको गर्मियों में जब आप बोर हो रहे हो तो आप क्या करें। सबसे पहली चीज़ जो रैंडम लगेगी मगर टू बी ऑनेस्ट, जब भी गर्मियों की छुट्टी में आप बोर हो रहे होते हैं, कम से कम मैं जब बोर हो रही होती हूँ तो मैं हमेशा खाती रहती हूँ। मुझे खाना बहुत पसंद है। तो आई रिकमेंड यू गाइस टू ईट समथिंग हेल्दी। कुछ अच्छा खाइए, जैसे फ्रूट खाइए। वैसे भी हमारे देसी खाने बहुत कोलेस्ट्रॉल में होते हैं, तेल होता है, स्टफ लाइक दैट। तो आई रिकमेंड यू गाइस ईटिंग फ्रूट्स। आप फ्रूट खा लें गर्मियों में। अगर आपको गर्म फ्रूट नहीं पसंद, आप उसे रात को फ्रिज में रख लें और फिर अगले दिन उठ के खा लें तो ठंडा हो फ्रूट एंड इट टेस्ट्स सुपर गुड। तो आप वैसे कुछ भी खा सकते हैं, चॉकलेट्स खा सकते हैं इफ़ यू डोंट वांट टू गेट फैट। तो इसलिए चॉकलेट को हटा दीजिए। और मैंने बहुत चॉकलेटें खाई हैं। आई ईट अ लॉट ऑफ चॉकलेट, थन्स ऑफ चॉकलेट। लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं अपने आप को कंट्रोल करूँ और मैं ज़्यादा चॉकलेट ना खाऊँ, इसके लिए आप फ्रूट खाओ। आप कुछ भी खा सकते हैं, सेब, केला, नाशपाती, कुछ भी। और ऐसे टाइम भी जाता है और आपको हेल्दी खाना भी मिलता है। आप लोग एक किताब पढ़ लें ना। दिस से बहुत रैंडम लगेगा कि ओ माय गॉड, किताब तो हर लोग कभी भी पढ़ सकते हैं इसमें। लेकिन क्या कहते हैं, आप एक किताब शुरू कर सकते हैं जब आप बोर हो रहे हैं। तो फिर जब वो टाइम आए ना कि जब आपके पास कुछ भी करने को ना हो दिन में, तो आप वो टाइम अपनी किताब को पढ़ने में लगा लें। और ऐसे यू गेट टू लर्न। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखी जाती हैं किताबों से एंड स्टफ। तो किताबें पढ़नी चाहिए। मैं अभी एक किताब पढ़ रही हूँ, इट्स कॉल्ड द इंस्टीट्यूट। ये रहा उसका पोस्टर। तो बहुत अच्छी किताब है। आप दूसरी किताबें पढ़ सकते हैं। आप उर्दू में भी किताबें पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी, किसी भी ज़बान में। सो टाइम पास हो जाता है और आपको कुछ पढ़ने को, कुछ सीखने को भी मिल जाता है। तो किताबें पढ़ना। नंबर 3, प्रॉब्ली ये नंबर 3 ज़्यादातर उन बच्चों के लिए होगा जो स्कूल जाते हैं और यूनिवर्सिटी एंड स्टफ लाइक दैट, जो अभी तक एजुकेशन सिस्टम में है। तो आई रिकमेंड यू गाइस टू अपने थोड़ा सा स्कूल का काम कर लें। आई नो बहुत लेम, बहुत यू लाइक why would I waste my time over पढ़ाई पे मैं अपने टाइम गुजारा करूँ। लोग सोच रहे हैं कि अभी तो गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं तो अभी पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास इवन तो, लेकिन जब आप बोर हो रहे होते हैं तो आई रिकमेंड यू गाइस कि आप लोग पढ़ लें थोड़ा सा, क्योंकि अगले साल जब आप जाएंगे तो अगर आपके पास अगले साल की किताबें आ गई हैं अभी से तो आप स्टार्टिंग के चैप्टर्स थोड़े से पढ़ लें और थोड़ा सा समझ लें ताकि जब टीचर समझा रही हो तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आए एंड इट वर्क्स वेरी वेल। ये टेक्निक बहुत अच्छी है, मैं अभी तक ये टेक्निक कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी अभी तक किताबें की लिस्ट नहीं आई है तो अभी तक हमने ख़रीदी नहीं है अपनी किताबें, वरना मैं हमेशा सब कुछ वो कर लेती हूँ लाइक ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ और सारे चैप्टर्स देख लेती हूँ गर्मियों की छुट्टियों में ही। और अगर आपके पास हॉलीडे होमवर्क है तो वो तो करना ही पड़ेगा। इवन तो आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि टीचर चेक नहीं करती होमवर्क एंड स्टफ, आई नो, बट गर्मियों की छुट्टियाँ आपके लिए हैं तो आप क्या कहते हैं उसके अंदर पढ़ें भी और अपनी इंजॉयमेंट भी करें बिकॉज दैन इट विल गेट बैलेंस्ड एंड या सो स्टडी। नंबर 4, आप ऑर्गेनाइज करें अपनी चीज़ों को, आप साफ सफाइयाँ करें। जैसे अगर आपके पास एक डेस्क है आपकी पढ़ने की जगह की तो आप उसको साफ़ करें अगले साल के लिए, जो किताबें आपको नहीं दें पढ़नी वो वापस दे दें या बेच दें या फिर जो उन बच्चों को दे दें जिनको ज़रूरत है, जो उस क्लास में जाने वाले हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनको दे सकते हैं आप, या फिर उन्हें अपने बहन भाइयों को दे सकते हैं जो आपसे छोटे हैं और आपकी क्लास में जा रहे हैं। और वो सारे पेपर फेंक दीजिए क्योंकि हम लोग बहुत सारे पेपर्स होते हैं जो काम करने वालों के पास हमारे स्कूल जाने के बाद बहुत सारे जमा हो जाते हैं और फिर हम लोग फेंकते नहीं क्योंकि हम सोच रहे हैं कि वो कभी ना कभी काम आ जाएंगे। तो ऑफिस वालों का तो मुझे पता नहीं क्योंकि कभी काम आ सकते हैं उनके वो पेपर्स, लेकिन जो स्कूल में लोग हैं प्रॉबली वो जो पिछले साल अपने पेपर्स फेंका था वो तो बिल्कुल भी अगले साल आपके यूज़ में नहीं होगा तो आप उनको फेंक दीजिए, रिसाइकलिंग में डाल दीजिए बिकॉज फिर जब नया साल शुरू होगा तो आपके पास और पेपर आ जाएंगे और पिछले साल पेपर मिला के बहुत सारे पेपर हो जाएंगे, बहुत सारे कंद हो जाएगी। तो आप सब कुछ फेंकें, साफ़ करें इस साल इस गर्मियों की छुट्टियों में ताकि आप स्कूल के दिनों में सुकून से अपना काम करते हैं। जैसे मैंने अपने सारे कपड़े साफ़ किया, अपनी अलमारियाँ साफ़ करी, जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए वो मैंने फेंक दी या चैरिटी में दे दी अगर वो आप तो इस्तेमाल होने की चीज़ लायक है। तो इसलिए आप सफाइयाँ करें अपनी जगहों की या फिर अपने घर की इन गर्मियों की छुट्टियों में जब आप बोर हो रहे हो बिकॉज दैट वर्क्स। नंबर 5, आई नो जो बाकी चारों जो मैंने इससे पहले पॉइंट्स बताए आई नो बहुत सारे लोगों के लिए होगा और बोरिंग होंगे एंड स्टफ, बट नंबर 5 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप इन गर्मियों की छुट्टियों में कुछ नया सीख सकते हैं, आप कुछ कोर्स ले सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स अभी बहुत चल रहे हैं बिकॉज ऑफ दी thing that's going on, so you can get into a online course and learn something new during these boring times or boring days of yours. You can learn something new like cooking, drawing, calligraphy, and there's a lot tons of stuff, photoshopping, video editing, anything. You can learn a new skill, a new talent आप वो सीख सकते हैं। मैंने अभी पूरा सब कुछ इंग्लिश में बोल दिया, I'm really sorry about that. And that is it. ये ख़त्म, ये एंड है मेरी वीडियो का। I hope you guys enjoyed it. ये सारे 5 पॉइंट ट्राई करिए प्लीज़ बिकॉज दे रियली वर्क। इसमें कुछ आपका ऑर्गेनाइज भी हो जाता है और आपका टाइम भी पास हो जाता है और आप बोर भी नहीं होते और आप टाइम वेस्ट भी नहीं करते। तो आई होप कुछ हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो bye. I'll see you guys in my next video. Make sure to give this video a big thumbs up and comment down below what you guys do when you're bored. I'll see you guys in the next video. Bye.